रहा है। ओ भाई देख सकते हो, ओ माय गॉड, सोचा नहीं था इतना नजदीक आ गए हैं बोल के। ओ भाई फाइनली गाइस देख सकते हो, अरे भाई, अरे भाई 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 भाई। तो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर वाला स्टेज में आ गए हैं और गाइस इधर में टाइल्स लगा हुआ है और इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस। ओ भाई मेरा पैर ऐसा लग रहा है कि जल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी है। अच्छा है तो वीडियो वगैरह भी बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने 3-4 पूरा वीडियो बना दिया, रील्स और ब्लॉग तो साथ में है ही। तो अभी हम लोग गाइस काफ़ी हम लोगों को भूख लग रहा था तो इसलिए हम लोग एक होटल में आए हैं और अभी बैठे हैं और अभी हमारा ऑर्डर भी आ रहा है। अगर आप लोगों को कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर आना गाइस, अगर आप लोग नहीं आए तो, क्योंकि बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही शांति फील होता है, बहुत ही पेस फील होता है। तो ज़रूर एक बार देख सकते हो गाइस मंदिर का दरवाज़ा फ्रंट डोर और इधर से एंट्री करते हैं। तो हम लोग एंट्री तो नहीं करेंगे और इधर में कैमरा भी अलाउड नहीं है शायद। गुड इवनिंग यार गाइस, और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी फिलहाल हम लोग इधर में कौन सा प्लेस है पता नहीं, कौन सा जगह है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हम लोग घुसे थे एक होटल में और हम लोगों ने तो हेलो यार गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग एमिस ब्लॉग। तो यार गाइस अभी मैं फिलहाल हूँ डोबका रिजर्व में, डोबका फॉरेस्ट में हूँ, देख सकते हो आप लोग चारों ओर जंगल ही जंगल। और गाइस जैसे कि गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल पूरा भोलबम का सीजन चल रहा है, तो इसलिए गाइस हम लोग भी आए हैं भोलबम जाने के लिए और भोलबम जाने के लिए निकले हैं हम लोग। और अभी हम जाएंगे रेंगबेंग और रेंगबेंग प्लस उधर मृत्युंजय मंदिर नौगांव का, और बहुत ही बड़ा शिवलिंग मंदिर है वो और बहुत ही फेमस है गाइस, और वहां जाएंगे हम लोग। और इसलिए पूरा तैयारी के साथ हम लोग निकले हैं भाई के साथ, और काफ़ी दिनों से मतलब सोच रहे थे कि वो शिवलिंग मंदिर हम लोग जाएँगे बोल के, मृत्युंजय मंदिर जाएँगे बोल के, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिल रहा था। और फाइनली इस भोलभोम के अवसर में हम लोग निकले हैं जाने के लिए। तो ये मेरा भाई ब्रो, एक बार हेलो बोलो। तो ये मेरा भाई है और हम दोनों निकले हैं वहीं पर जाने के लिए, मतलब रेंगबेंग भोलभोम मनाने के लिए, और चलेंगे मृत्युंजय मंदिर भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो गाइस वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिए और आप लोगों को दिखाएंगे। तो यार गाइस हम लोग मतलब मृत्युंजय मंदिर के रोड घुस चुके हैं और देख सकते हो इस रोड से हम लोग जा रहे हैं, और इधर में ट्रेन रोड भी है और इधर से ट्रेन भी क्रॉसिंग करता है। और फिलहाल अच्छा हुआ कि ट्रेन अभी नहीं आया है तो हम लोग फिर ही पारों में क्रॉस कर लिए। और भाई रास्ता देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, ये गाइस शॉर्टकट रास्ता है और जो लॉन्ग कट है वो भी मेन वाला रोड, लेकिन उससे हम लोग नहीं गए क्योंकि वो ज़्यादा दूर पड़ता है, तो हम लोगों ने इसलिए शॉर्टकट रास्ता में आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब मृत्युंजय मंदिर आकर, तो चलो देखते हैं। तो गाइस लगता है हम लोग पहुँच चुके हैं, इधर से पार्किंग स्टार्ट हो गया है। ओ भाई देख सकते हो, ओ माय गॉड, सोचा नहीं था इतना नज़दीक आ गए हैं बोल के। ओ भाई फाइनली गाइस देख सकते हो, अरे भाई 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 भाई, भाई। तो पहले पार्किंग लगा देते, कहने का पार्किंग
पार्किंग ना लगे, यहाँ पर पार्क कर लेते हैं। तो इसी तरह आते आते फाइनली गाइस मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग, ओ भाई मृत्युंजय टेम्पल। और गाइस अक्सर मैंने इस टेम्पल को किसी के वीडियोस और स्टेटस वगैरह में देखा किया था, लेकिन आज ऑन द स्पॉट देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मतलब इतना बड़ा होगा। गाइस देख सकते हो मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रहा है, इतना बड़ा है। और ऐसा देख रहा हूँ मतलब खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसे ऑन द स्पॉट देख रहा हूँ, अब भी मैं यहाँ हूँ बोल के मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है गाइस। और गाइस बहुत ही बड़ा है, क्या बताऊँ, मतलब देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और मौसम देख सकते हो गाइस काफ़ी धूप है, और अभी हम लोग ये बांस के नीचे है, और अभी हम लोग जाएंगे उधर और नज़दीक जाकर उधर का नज़ारा दिखाएंगे। और फिलहाल तो मुझे भूख लगा हुआ है ब्रो, ये मेरा ब्रो ना जाने किससे बिजी है, इतना जब से आया बात किए जा रहा है। ओए ब्रो कुछ खाने का इंतजाम करो, बोल दो तो थोड़ा कैसा लग रहा है इधर आकर। इतना अच्छा लगा बोलो मत, पहले बार क्या हम सब सपना देख रहे हैं क्या, ऐसा लगता है। तो गाइस इसे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये अभी फिलहाल यहाँ पर है बोल के, तो क्या ही बताओ, मतलब इतना मतलब हैप्पी हूँ मतलब यहाँ आने के लिए। और बहुत दिनों से सोच के रखा था मतलब, और फाइनली गाइस आज आए हैं। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उधर सामने, और सामने जाकर उधर का नज़ारा दिखाएंगे। और क्या बताओ बहुत ही ज़्यादा धूप है गाइस, और गर्मी में हम लोग आए हैं, पूरा घूम रहे हैं। और मुझे पानी भी पीने का मन कर रहा है, तो वाटर बोतल ले लेते से कहीं से। और इधर का नज़ारा दिखाएंगे अभी आप लोगों को बैक कैमरा करके। माती दे सिली मोते भाल खाई मोहा दे दे दुगु 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 तो को दुबा भाल खाए तुला सोनी ते तू पुला तो ताधारी बोलिया। गाइस हमें बहुत जोर का भूख लगा है, तो इसलिए हम लोगों ने एक होटल देखा हम लोग, और यहीं पर अभी हम लोग घुसेंगे और कुछ खा लेते हैं। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है, होटा है ना ब्रो। तो अभी हम लोग आए हैं होटल में और इधर कुछ खा लेते हैं। ईशन बराना ईशन पहले तो हमें बैठ लेते हैं, बहुत जोर का भूख लगा है रे ब्रो। हाय तो फाइनली गाइस अभी पेट पूजा होगा हम लोगों का काफ़ी देर के बाद। अभी अराउंड 2 o'clock हो गया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, हम लोगों ने सिर्फ वाटर बोतल से काम चल रहा था। अभी जाके अभी हमारा पेट में दाना घुसेगा। और गाइस हमारा ऑर्डर भी आ गया देख सकते हो, काफ़ी देर से हमारा पेट में चूहा कूद रहा था, और अभी हम लोग खाएंगे। और भाई तो पूरा स्टार्ट ही हो गया देखो पूरा इसका पेट में बहुत ज़्यादा चूहा दौड़ रहा है, तो इसलिए ये अभी रुका नहीं, जैसे ही मिला खाना स्टार्ट कर दिया। और अभी हम भी खाएंगे, तो चलो थोड़ी देर के लिए पहले हम लोग हमारा लंच कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेम्पल के करीब है, नज़दीक है, बगल में ही। और अभी हम लोग जाएंगे उधर घुसेंगे, वो देख सकते हो एंट्री गेट, और उधर में पूरा गार्ड लोग है। तो चलो देखते हैं, और वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिए, और आप लोगों को भी दिखाएंगे अच्छे तरीके से, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। तो चलो ब्रो चलो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घुसने के लिए, और पहले तो हमें हमारा शू वगैरह खोल लेना चाहिए, क्योंकि शू के बिना जाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग इधर में अपना शू वगैरह खोल लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि यह पवित्र स्थान है ना, तो सैंडल चप्पल वगैरह जूता वगैरह ले नहीं सकते हैं। ये है गाइस देख सकते हो, ओ भाई। तो अभी हम लोग घुसेंगे, पहले हमारा शू खोल लेते हैं। दे ब्रो जल्दी करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैंने खोल लिया। तो चलो अभी अंदर घुसते हैं गाइस। ओ भाई नीचे से ऊपर तक देखो, कैप्चर ही नहीं होता है गाइस, इतना बड़ा है। अरे भाई ये है मृत्युंजय मंदिर गाइस, और ये हमारा एंट्री गेट। अभी हम लोग इधर से घुसेंगे,
और ये थोड़ा इधर का ग्राउंड देख सकते हो। अभी हम लोग मंदिर में एंट्री कर लिए हैं और अभी स्टेप चढ़ रहे हैं, देख सकते हो ऊपर तक जा रहे हैं। और गाइस नीचे देख सकते हो कितना ऊपर आ चुके हैं हम लोग। तो ये है फर्स्ट स्टेप, और भी ऊपर है, देखो कितना बड़ा है गाइस। मतलब चलो इधर में एक दो फोटो ले लेते हैं पहले, है कि नहीं ब्रो? आई यार इतना गर्मी है, तो एक दो फोटो ले लेते हैं गाइस हम लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर वाला स्टेज में आ गए हैं, और गाइस इधर में टाइल्स लगा हुआ है और इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस। ओ भाई मेरा पैर ऐसा लग रहा है कि जल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी है। टाइल्स फिटिंग किया हुआ ना, और ऊपर से धूप आ रहा है ना गाइस, तो थोड़ा करीब आओ ब्रो, इधर में गर्मी नहीं है। और इधर में पूरा एसी है गाइस, देख सकते हो एसी लगा हुआ है, और हम लोग अभी एसी की हवा में हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस इधर आकर। यार गाइस हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर रुके थे, और काफ़ी हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाया, और देख सकते हो क्या ही बताओ मतलब इधर का, और मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो वगैरह भी बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने 3-4 पूरा वीडियो बना दिया, रील्स और ब्लॉग तो साथ में है ही। तो अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मौसम भी देख सकते हैं ऊपर कैसा क्लाउडी हो रखा है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो बारिश आ जाने से तो हमारा पूरा दिक्कत हो जाएगा घर जाने के लिए। तो इसलिए हम लोग इधर ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, और उधर देख सकते हो गाइस उधर एरोप्लेन वगैरह मतलब टेक ऑफ करने के लिए बनाया गया है, तो शायद उधर मैं आप लोगों को ले नहीं सकूँगा क्योंकि उधर में ब्लॉक किया हुआ है, तो इधर से ही दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अगर उधर एरोप्लेन अगर है तो उधर में टेक ऑफ कर सकता है, और अगर आप लोगों को कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर आना गाइस, अगर आप लोग नहीं आए तो, क्योंकि बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही शांति फील होता है, बहुत ही पेस फील होता है, तो ज़रूर एक बार आके देखना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और शांति मिलेगा ज़रूर। तो और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, अगर आप लोग आएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा और कितना शांति है, और सबको यहाँ आते हैं और यहाँ प्रे वगैरह कर कर जाते हैं, और काफ़ी लोग का मन्नतें पूरा होता है, तो ज़रूर आप लोग भी अगर नहीं आए तो आइएगा एक बार। तो चलो अभी हम लोग एक चक्कर पूरा मंदिर का लगा लेते हैं, उसके बाद इस इधर से जाएंगे, एक चक्कर पूरा राउंड घूमेंगे और इधर से निकल जाएंगे। तो चलो ब्रो एक चक्कर लगाते हैं, तो मेरा बैग पकड़ो ना यार। तो अभी मेरा ब्रो ने बैग पकड़ लिया, और अभी हम लोग मंदिर का एक चक्कर लगा रहे हैं और इधर से हम लोग निकल जाएंगे। और देख सकते हो गाइस वो भाई, तो इधर तो सब टाइल्स लगा हुआ है, तो चलो आगे दिखाते हैं। और इधर नीचे का नज़ारा देख सकते हो, उस तरफ से हम लोग आए, अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे क्योंकि वहाँ हम लोगों ने बाइक पार्किंग करके रखा है। और ये है मंदिर का डोर, 2-3 डोर है गाइस यहाँ, किसी भी डोर से आप लोग घुस सकते हैं। और ये देख सकते हो गाइस मंदिर का दरवाज़ा, फ्रंट डोर, और इधर से एंट्री करते हैं, एंट्री तो नहीं करेंगे, और इधर में कैमरा भी अलाउड नहीं है शायद। और गाइस क्या ही बताओ, तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रखा है, नहीं तो बारिश आ जाएगा। तो अभी हम लोग उतरेंगे इधर से, तो नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, और बैग वगैरह सब मेरा भाई पकड़ा हुआ है, चलो चलते हैं। नीचे से एक फ़ोटो लेंगे गाइस, क्योंकि हमने उन्हें नीचे से नहीं लिया है फ़ोटो, तो इसलिए अभी हम लोग नीचे से भी लेंगे।
तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा इधर में आकर मृत्युंजय टेम्पल, और काफ़ी शांति लगा और काफ़ी शांति भी मिला हम लोगों को और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गाइस, और मौका मिले तो और आएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा इसलिए। तो यार गाइस काफ़ी हम लोगों को भूख लग रहा था तो इसलिए हम लोग एक होटल में आए हैं और अभी बैठे हैं और अभी हमारा ऑर्डर भी आ रहा है। तो हम लोगों ने परोठा मंगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को भूख लगा है ना गाइस, तो इसलिए हम लोगों ने परोठा मंगाया है तो आ रहा है। तो पहले हम लोग खा लेते हैं गाइस। गुड इवनिंग यार गाइस, और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी फिलहाल हम लोग इधर में कौन सा प्लेस है पता नहीं, कौन सा जगह है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं। हम लोग घुसे थे एक होटल में और हम लोगों ने हमारा बहुत जोर से भूख लगा था तो कुछ खाया हम लोग परोठा वगैरह और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर। तो चलो चलते हैं। तो यार गाइस इधर देख सकते हो पूरा बारिश आ चुका है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, और ब्लॉग कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना गाइस। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ और अभी चलेंगे घर, बारिश आ गया है देखो गाइस।